नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड है अभी तक हमने देखा कि कंपोजिट फंक्शन का डिफ्रेंसीशन दैट इज़ ऑल्सो नोन एज चेन रूल यू कैन सॉल्व दिस अगर हमारी प्रॉब्लम डिफ्रेंसीशन की ऐसी हो फंक्शन है और फंक्शन पे रेस टू द पावर सम अदर फंक्शंस हाउ यू कैन डिफ्रेंसीइट अब ये ना सिंपल डिफ्रेंसीशन है ना डिवीजन ऑफ द फंक्शन है ना मल्टीफिकेशन ऑफ द फंक्शन है ना दिस इज़ द वाइटी ऑफ कम्पोजिट फंक्शन ना हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट लाइक दिस तो इसके डिफ्रेंशिएशन के लिए कुछ स्पेशल रूल्स हैं दैट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉगर्थमिक डिफ्रेंसी देखते हैं क्या मीनिंग है और कैसे सॉल्व करेंगे एक बार आप इसके प्रोसीजर्स को देख लीजिए तो सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल ही ले देते हैं फंक्शन है एक्स और एक्स पे है पावर एक्स की अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट यूज़ करने लगते हैं एक्स की पावर एन एन यहाँ पे कॉन्स्टेंट था दिस इज द डिफरेंट काइंड दिस इज द पोलीनॉमियल एक्स की पावर एंड इसका डिफ्रेंशियन एन टाइम्स ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन बट एक्स की पावर एक्स इज डिफ्रेंशिएशन इज नॉट इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ एक्स की पावर एक्स माइनस वन तो अंडरस्टैंड ये दिस इज द फंक्शन टू द पावर फंक्शन है ये डिफरेंट टाइप की कैटेगरी है कैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे देखते हैं वन बाई वन बहुत सिंपल डिफ्रेंशिएशन है लॉग कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं लॉग और एक्सपोनेंशियल दोनों कॉन्सेप्ट हैं दोनों का हम यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं तो वन बाई वन दोनों कॉन्सेप्ट देखते हैं जो भी आपको बेटर लगे उसे आप यूज़ कर सकते हो जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करो तो एग्जांपल एक्स टू द पावर एक्स से ही स्टार्ट करते हैं तो हमारा एग्जांपल स्टार्ट होगा एक्स की पावर एक्स से देखते हैं सपोज एक्स की पावर एक्स का हमें डेरीवेटिव फाइंड आउट करना है सो से दिस इज इक्वल टू वाई वाई के इक्वल ले लेते ले हैं अब लॉग की प्रॉपर्टी हम दोनों साइड में लॉग लेते हैं टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड ये हमारा पहला स्टेप है लॉग ऑफ एक्स की टू द पावर एक्स अब हमें लॉग की प्रॉपर्टी से हमें मालूम है लॉग ऑफ ए टू द पावर एम इज़ इक्वल टू एम टाइम्स लॉग ए ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में लॉग की प्रॉपर्टी जो भी पावर होती है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है तो सिंप्लीफाई करिए इसको इस स्टेप पे

इंटू वन प्लस एक्स को एज इट इज रखेंगे लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे वन अपॉन एक्स होगा सो फाइनली वी हैव लॉग एक्स प्लस वन एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा सो वाई डैस इज इक्वल टू वाई टाइम्स ऑफ लॉग एक्स प्लस वन ओके okay, अब वाई की वैल्यू भी पुट कर दीजिए वाई डैस दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या ली थी है? हमने एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स प्लस वन दिस इज द टोटल प्रोसीजर हमें एक्स की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन चाहिए था और एक्स की पावर एक्स को मैंने वाई लिया था दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स ही चाहिए इनडायरेक्टली ना इसका डिफ्रेंशिएशन दैट इज़ इसका डिफ्रेंशिएशन तो ये आंसर आ गया तो आपने देखा लॉग की हेल्प से हम अपनी प्रॉब्लम को बहुत ही सिंप्लीफाई वे में कर सकते हैं एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ तो ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दिया था अगला एग्जाम्पल है एक्स की पावर साइन एक्स यहाँ भी साइन एक्स इज अ फंक्शन एक्स इज अ फंक्शन दोनों फंक्शन है दोनों के ऊपर पावर रेस की गई से दिस इज वाई लॉग वाई इज इक्वल टू साइन एक्स एन का एग्जाम्पल है ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन अब जैसे ही आपने ये किया आप ये प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन में चेंज हो जाएगा पावर्स ये लॉक की प्रॉपर्टी का इसीलिए हम यूज कर रहे हैं अब डिफ्रेंशिएशन किया दैट मीन्स वाई डैश इंटू वन अपॉन वाई मीन्स वन अपॉन वाई इंटू वाई डैश साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स लॉग एक्स अगले स्टेप में साइन को एज इट इज रखेंगे और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे दैट इज वन वाई एक्स अगला स्टेप आपको मालूम है वाई ही तो फाइंड आउट करना है तो दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई इज़ इक्वल टू कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स तो कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स और वाई की वैल्यू रख दी एक्स की पावर साइन एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स तो ये मेथड हो गया अब इसी को दूसरे तरीके से मैंने बोला था एक्सपोनेंशियल कॉन्सेप्ट का भी यूज आप कर सकते हो तो सेम क्वेश्चंस को हम करते हैं एक्सपोनेंशियल वाले कॉन्सेप्ट से पूरी एक्सरसाइज सिम एक ही कॉन्सेप्ट बेस्ड है वन बाई वन हम एक्सरसाइज भी करेंगे बट अभी हम इसको देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल वाले कॉन्सेप्ट से देखते हैं एक्सपोनेंशियल का एक कॉन्सेप्ट है अगर ए टू द पावर बी है इफ़ ए टू द पावर बी इज गिवेन इट कैन बी रिटर्न एज ई की पावर बी लॉग ए अब तुम्हें तो लग रहा होगा ये कैसे लिख दिया ना? ओके okay. देखते हैं ई e की पावर बी लॉग ए कैसे हमने यूज़ किया हुआ है अब अगर ये दोनों साइड में सेम है मैंने फार्मूला सही लिखा है मैं लॉग लेता हूँ दोनों साइड में लॉग ऑफ मैं प्रूव कर रहा हूँ अभी इसको ए टू द पावर बी दो नंबर्स हैं एक दूसरे के पावर्स में लिखे हैं दो फंक्शन हैं एक दूसरे के पावर्स में लिखे हैं इट कैन बी एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ई की पावर बी लॉग ए अब यहाँ पे मैंने दोनों साइड में लॉग ले लिया वही नेचुरल लॉग ई की पावर बी लॉग ए आपको मालूम है लॉग जो पावर है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा तो दिस इज़ बी लॉग ए ओके और यहाँ पे क्या है e b log a ओके okay. तो b log a पावर ही है b log a और यहाँ पे log e आपको मालूम है log e की वैल्यू वन होती है कैसे log e और बेस भी e है e पे कितनी पावर रेस की जाए कि वन e हो जाए दैट मीन्स वन पावर तो दैट इज वन इसकी वैल्यू वन है तो यहाँ पे देख रहे हो ये है b log a लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है That means any number can be written like this. A to the power b is equal to e की power b log ए ये concept आप याद रखिए अभी देखिएगा सारे steps लगभग similar हैं वैसे ही सिमिलर हैं जैसे आपने लॉग के कॉन्सेप्ट में देखा है देख लेते अब मुझे फिर से करना है एक्स की पावर साइन एक्स का differentiation. सो दिस कैन बी रिटर्न as ई की पावर साइन एक्स पावर में है साइन एक्स लॉग एक्स उसी वाले कॉन्सेप्ट अब दिस डिफ्रेंशिएशन शुड बी इक्वल टू डि दिस डिफ्रेंशिएशन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं और ये इसमें स्टेप्स काफ़ी कम होते हैं e की पावर x का डिफ्रेंसीशन सारे को मालूम है सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही होता है e की पावर x log x अगला क्या होगा चेन रूल यहाँ पे अप्लाई होगा कॉन्सेप्ट डिफ्रेंसीशन ऑफ x के प्लेस पे क्या है साइन x लॉग x वहाँ भी ध्यान दिया होगा तुमने तो यही तो आ रहा है प्रोडक्ट का डिफ्रेंसीशन ओके okay, अब डिफ्रेंसीन कर लेते हैं देखो e की पावर साइन x लॉग x और इसका डिफ्रेंसीशन करना है तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन कॉस x अभी किया है इन टू लॉग एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज़ लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन एक्स दिस इज आल्सो आंसर और इसी को आप फिर से वापस इक्वल भी लिख सकते हो ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो दोनों ही फॉर्मेट सही हैं यहाँ से आप ये कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स आई होप दोनों ही मेथड आपको समझ में आ गए होंगे ये वाला इस वाले मेथड में बहुत कम स्टेप होते हैं काफ़ी स्टेप आपके यूज़ नहीं होते हैं लॉग वाला मेथड और ये वाला मेथड एक्सपोनेंशियल वाला काफ़ी सिमिलर भी है स्टेप वहाँ पे आप लॉग लेते हो फिर वन अपॉन वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो सेम यहाँ पे ई e की पावर एक्स के फॉर्म में हम पहले से चेंज करके फिर मल्टीप्लाई करते हैं चेन रूल यूज करते हैं तो ये वाला स्टेप बहुत ही सिंपल है दोनों ही स्टेप से हम आगे कुछ क्वेश्चन एन के कर लेते हैं देखते हैं एन के क्वेश्चन ओके दिस वन इज़ द एक्सरसाइज फाइव एक्सरसाइज 5.5 में आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर वन से लेके डबल वन एलेवन तक के क्वेश्चन में आपको क्या करना है इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है तो फर्स्ट क्वेश्चन देखना फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स तो ये प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन से भी आप इसको कर सकते हो लॉग लेके करोगे तो प्रॉब्लम ईजली सॉल्व हो जाती है तो इसलिए यहाँ पे लॉग का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि फंक्शन टू द पावर फंक्शन में ही लगाओ आप वहाँ भी यूज़ कर सकते हो जहाँ आपकी प्रॉब्लम ईजली सॉल्व करें यहाँ पे प्रोडक्ट है प्रोडक्ट लॉग लोगे तो चेंज हो जाएगा किसमें एडिशन में और एडिशन को आप आसानी से डिफ्रेंशिएट करके वापस सॉल्व कर सकते हो तो ये प्रॉब्लम जो पहली वाली है आप सिंपल लॉग से कर सकते हो ये फंक्शन टू तो द पावर फंक्शन का केस नहीं है अपने दिमाग में मत रखना तो दिस इज द केस ऑफ फंक्शन टू तो द पावर फंक्शन बाकी सारे क्वेश्चन फंक्शन टू तो द पावर फंक्शन केस पर हैं कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस भी करेंगे आपको सारे क्वेश्चंस कॉपी में करने हैं इसके लिए कल का टाइम रहेगा आप आज और कल कर लीजिएगा धीरे धीरे क्वेश्चन को करते जाइए प्रैक्टिस के ऊपर है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व से सिक्सटीन सेवनटीन एटीन तक क्वेश्चन ये थोड़े से अलग टाइप के हैं तो इन क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेंगे तो पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन डिस्कस कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर सेवन डिस्कस कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर ओके ढेर सारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन नाइन करने का सिंपल एक ही तरीका है आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ऐसा कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जितना था वो डिस्कस कर चुके हैं एक बार क्वेश्चन नंबर सेवन देख लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन और नाइन ये दो क्वेश्चंस मैं कर देता हूँ बाकी क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो मैं बता दूंगा आपको तो सेवन और नाइन क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं लॉग एक्स टू द पावर एक्स और एक्स की पावर लॉग एक्स ये क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं ओके okay, इस टाइप के क्वेश्चन को करते समय ध्यान रखिएगा क्या आपको नहीं करना है कुछ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं और करते रहते हो पूरे साल भर इसको ले लेते हो आप वाई तो आपने बोला है कि आपको बताया गया है कि लॉग वाई कर लेते हैं और दिस इज लॉग एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स ऑफ लॉग एक्स की पावर एक्स ऐसा कर लेते हो दिस इज नॉट अ राइट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी में कहीं भी आपको ये नहीं बताया लॉग ऑफ एम प्लस एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन ये कहीं बताया गया है देख लीजिए आपको कहीं बताया गया हो तो समग को अलग अलग हम सेपरेट कर सकते हैं तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है दिस इज द इम्पोर्टेंट तो आपको ये स्टेप नहीं करना है दिस इज द रोंग स्टेप यह गलत है ठीक है तो आपको करना क्या है बताता हूं मैं आपको करना क्या है कैसे करना है ओके इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूं ओके सो so, आपको करना क्या है यहां पे पहले देख रहे होगे कि एक्स की पावर लॉग एक्स है दूसरा है लॉग एक्स की पावर एक्स अब यहाँ पे वन बाई वन दोनों का अलग अलग डिफ्रेंसीशन करना है और लास्ट में ऐड करना है डिफ्रेंसीशन का एडिशन होता है बट लॉक के केस में एडिशन नहीं होता तो दैट मीन्स यू हैव टू टेक दिस इज़ यू एंड दिस इज बी और वाई तो मैंने इसे ले ही लिया है तो आप जानते हो कि अगर हम डिफ्रेंसीेशन करेंगे तो डिफरेंसीशन अलग अलग फंक्शंस को सेपरेट रख सकते हैं ये तो यू का डिफ्रेंसीशन सेपरेट करना है बी का डिफ्रेंसीशन हमें सेपरेट करना है ये थोड़े से बड़े से टाइप के क्वेश्चन होते हैं थोड़े से स्टेप ज़्यादा होते हैं तो ई के पावर का कॉन्सेप्ट का यूज़ कर लें हम या फिर लॉग वाले कॉन्सेप्ट का यूज़ कर लें दोनों ही करेक्ट है अब हमें पहला फंक्शन है हमारा एक्स लॉग एक्स इन दिस इज़ यू है मेरा यही तो मैंने यू लिया हुआ है अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो सिंपली हम दोनों साइड में लॉग ले, ले लेते हैं दिस इज़ लॉग यू और यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्रोडक्ट में आ जाएगा और लॉग एक्स हो जाएगा लॉग एक्स लॉग एक्स हो जाएगा कन्फ्यूज मत होना ना लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स अब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यू का डिफरेंशिएशन वन अपॉन यू और यू का डिफरेंशिएशन यू डैस लॉग एक्स फर्स्ट एक किसी लॉग एक्स को कॉन्सटेंट करते हैं दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं लॉग एक्स इंटू एक्स प्लस अगले स्टेप में भी सेम लॉग एक्स इंटू वन अपॉन एक्स अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना ये वन अपॉन एक्स हो जाएगा लाइव क्लास तो है नहीं नहीं तो अदरवाइज मैं बताता आपको कहां करेक्शन करना है ओके okay, तो हो गया फाइनल अब इसको फाइनलाइज कर लेते हैं तो u डैस इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा u इंटू एक्स लॉग एक्स बाई एक्स तो टू टाइम्स ऑफ लॉग एक्स इंटू एक्स ओके लॉग एक्स बाई एक्स लॉग एक्स बाई एक्स यही क्वेश्चन में तो हमने इसको log x बाई एक्स कर दिया तो log x बाई एक्स हो जाएगा ये दिस इज और x x किस यू किसके इक्वल था u की वैल्यू भी आप पुट कर दीजिए u इज़ इक्वल टू तो एक्स की पावर log x x की पावर log x एंड अपॉन x एंड दिस इज इक्वल टू टू log x और सिंप्लीफाई आप इसको करना चाहो सिंप्लीफिकेशन का कोई लास्ट लिमिट नहीं होता सेम पावर है तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू एक्स की पावर लॉग एक्स माइनस वन इंटू टू लॉग एक्स हो गया दिस इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ यूड अगला है वी किसके इक्वल था बी इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर x इसके इक्वल है अब इसका आप लॉग लोगे तो दिस इज लॉग b ध्यान रखना इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं आपको सेपरेट करना ही पड़ेगा और कोई ऐसा ट्रिक दिस इज x लॉग x और दिस इज लॉग लॉग x यहाँ पे ध्यान से रखना टू टाइम्स log x log log x होगा क्योंकि पावर में x है ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा log log x सिंपल है वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ अब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वन अपॉन बी और बी का डिफ्रेंशिएशन बी डैश अब यहाँ पे एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे वन आएगा इंटू लॉग लॉग एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन लॉग एक्स और फिर से लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा दैट इज वन अपॉन एक्स और फाइनली हो जाएगा ये लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा वन अपॉन लॉग एक्स एंड फाइनली हमारे पास बी डेस्क हो जाएगा बी इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस वन अपॉन लॉग एक्स बी की वैल्यू लॉग एक्स टू पावर एक्स b की वैल्यू हमने लिया था दिस इज लॉग ऑफ लॉग एक्स एक साथ ही कंबाइन करके लिखते हैं इसको वन अपॉन लॉग एक्स ओके अब दोनों को कंबाइन एक साथ ऐड कर दो आपका फाइनल आंसर कंप्लीट हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो थोड़ा सा सिम्प्लीफाई कर लेते हैं बी डैस इज इक्वल टू लॉग एक्स टू एक्स और यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा लॉग एक्स और ये हो जाएगा लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस वन ये सिंपली ये सब सिम्प्लीफाई तो आप log x, log x, तो this, into, कर ही लोगे अब यहाँ पे सेम है लॉग एक्स लॉग एक्स तो दिस इट कैन बी रिटन एज लॉग एक्स टू द पावर एक्स माइनस वन इंटू सारा कॉपी पेस्ट कर दो लॉग एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स प्लस वन दोनों को ऐड कर दोगे लास्ट में आपका आंसर समराइज हो गया हमारा y क्या था y इज इक्वल टू यू डैस वाई डैस इज इक्वल टू यू डैस प्लस बी डैस तो दोनों u डैस बी डैस को आप एडिशन में कर दो आपका आंसर कंप्लीट आंसर आप हो गया तो ये स्ट्रेटजी होती है अगर सम ऑफ दो फंक्शंस हैं और दोनों ही एक दूसरे के पावर्स में हैं तो आप इन तरीके से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन नंबर वन एक्सरसाइज़ फ़ाइव पॉइंट वन का भी मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ इसके पहले सेवन किया था देखो क्वेश्चन नंबर वन में क्या है ये प्रोडक्ट वाले से भी कर सकते हो आप लॉग से प्रॉब्लम कितनी अच्छी ईजली सॉल्व हो जाती है देखो आप दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लॉग अगर लॉग आपने ले लिया सपोज दिस इज़ वाई और लॉग वाई ले लिया तो लॉग क्या करेगा सारे को लॉग की प्रॉपर्टी अगर लॉग दोनों साइड में आप लेते हो तो प्रोडक्ट दिस इज़ लॉग ऑफ कॉस एक्स एक स्टेप में स्किप कर दिया एक बार लॉग लोगे अगले स्टेप में ये लिख सकते हो लॉग ऑफ कॉस टू एक्स एंड लॉग ऑफ कॉस थ्री एक्स अब ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को कैसे करोगे लॉग वाई का वन अपॉन वाई वाई रेस लॉग ऑफ कॉस एक्स का क्या होगा वन अपॉन कॉस एक्स और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स ऐसे ही सारे यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ऑफ टू एक्स और कॉस टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन टू एक्स और टू एक्स का टू प्लस ऐसे ही कॉस थ्री एक्स हो जाएगा लॉग ऑफ कॉस थ्री एक्स है तो वन अपॉन कॉस कॉस्ट थ्री एक्स कॉस एक्स का माइनस ऑफ साइन थ्री एक्स और थ्री एक्स का क्या हो जाएगा थ्री तो फाइनली ये कंप्लीट हो गया आई होप आपको समझ में तो वाई डैस निकालना था वाई डैस इज इक्वल टू वाई वाई के वाई को फिर से उसी प्लेस पे रख दो वाई क्या लिया था हमने कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ टेन एक्स माइनस ऑफ टू टू एक्स माइनस ऑफ थ्री टेन थ्री एक्स ऐसे भी आंसर दे सकते हो या फिर आप एल सी एम ले लो ये कैंसिल हो जाएगा और एल सी एम के फॉर्म में भी आंसर दे सकते हो तो वी हैव सो मैनी वेज तो आपने देखा ना फंक्शन टू और फंक्शन है कहीं बड़ा फंक्शन है वहाँ पे भी हम प्रॉब्लम को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं कर सकते हैं एक्स टू पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इसका डिफरेंशिएशन करना है दैट मींस दिस इज वाई तो वी हैव टू फाइंड आउट वाई डैस हमें वाई डैस निकालना है और सिंपल सा क्वेश्चन है टू पार्ट्स में यहाँ पे फंक्शंस हैं मींस इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन इसको मैं ई e के पावर वाले कॉन्सेप्ट से करता हूँ आपको बताता हूँ कैसे ई की पावर वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो एक ही चीज़ें आप देखे होंगे काफ़ी स्टेप सिमिलर हैं ई की पावर वाले में एक्सपोनेंशियल वाला कॉन्सेप्ट तो वाई कैन बी रिटन एज आई कैन री राइट इज़ दोनों को एक साथ ही ले चलते हैं अदरवाइज अगर लॉग से करोगे तो ये अलग करना पड़ेगा और ये तो सिंपल डिफ्रेंसिएशन है इसको अलग से करके लास्ट में ऐड करना पड़ेगा ई की पावर्स में आप क्या लिखोगे ई की पावर जो भी पावर्स में है दैट कैन बी रिटन एज एक्स लॉग एक्स और यहां पे आपका फंक्शन क्या है कॉस एक्स है तो एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स ओके प्लस ये एज इट इज कॉपी कर दो ओके okay. तो ये स्टेप ध्यान रखना ये स्टेप आपने सीख लिया तो ये प्रॉब्लम बड़ी आसानी से कर लोगे बार बार लॉग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो पावर्स में है उसको यहाँ पे प्रोडक्ट में करो इन टू लॉग एक्स देखा नहीं कैसे बताया था मैंने ए टू द पावर बी इज इक्वल टू ई की पावर बी लॉग ए वही पावर्स इन टू बेस का लॉग आगे करते हैं अब इसका डिफ्रेंसिएशन मीन्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस दोनों के एक साथ हम करते चलते हैं सो वाई डैस इज इक्वल टू डिफरेंसीएशन ऑफ फिर से एक स्टेप में लिख लेता हूँ आपको बताने के लिए ई e की पावर एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस डिफ्रेंसीएशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन दिस इज द बेसिक आगे करता हूँ ई e की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई e की पावर एक्स होगा तो ई e की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप ई e की पावर एक्स लिखिए तो ई e की पावर एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स इनटू चेन रूल यूज़ कर रहे हैं जो भी एक्स के प्लेस पे है एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन आपको फिर से करना होगा दैट मीन्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ x cos x log x प्लस डिफ्रेंसीशन ऑफ दिस इसको मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ ये सेम एज़ इट इज़ कॉपी कर लीजिए यहाँ पे ओके okay. और ये सिंपल आसानी से आप इसका डिफ्रेंसीशन कर ही लोगे तो नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास हो गया e की पावर x कॉस x लॉग x को फिर से वापस उसी फॉर्मेट में लिख दें जिस फॉर्मेट में था x x cos x इसी फॉर्म में था ना ये स्टार्टिंग में इसी को तो लिखा गया ई e की पावर एक्स लॉग कॉस एक्स लॉग एक्स तो मैंने इसी के फॉर्मेट में लिख दिया अब डिफरेंशिएशन करना है मुझे किसका देख लो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ x cos x log x का डिफ्रेंशिएशन करना है तो x cos x log x का डिफ्रेंशिएशन आप टू स्टेप प्रॉब्लम है आप वन बाई वन करो x cos x को एक कंप्लीट फंक्शन ले लो log x को एक दूसरा फंक्शन ले लो ऐसे कर लो x कॉस एक्स एक फंक्शन ले लिया लॉग एक्स को दूसरा ले लिया और डिवीजन ऑफ फंक्शन का फॉर्म लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स और एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो गया सेकेंड वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हम बाद में इकट्ठा करके लिख देंगे यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है हमारे पास तो हम बाद में लिख देंगे आप चाहे तो कंटिन्यू भी कर सकते होने बी डैश उसको साइड में लिख दिया है और ये पूरा ब्रैकेट में होगा कि इसके साथ ये भी मल्टी ये इसको साइड में यहाँ पर लिख देते हैं ये उसका मल्टीफिकेशन है होगा अब अगले स्टेप में मैं सिंप्लीफाई करूँगा एक्स एक्स कॉस एक्स एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स और यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा ये हो जाएगा cos x ओके okay? एक एक स्टेप ध्यान से देखते तो कॉस एक्स लॉग एक्स है अब एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन फिर से यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा एक्स का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे लॉग एक्स लिख लो और यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर दो एक्स का डिफ्रेंशिएशन छोटे छोटे डिफ्रेंशिएशन बहुत कंसनट्रेट हो गया आपको करना एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन तो यहाँ पे कॉस एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स ध्यान रखना यहाँ पे प्लस बी डैश अभी उसको साइड में रहने तो बाद में हम उसको कर लेंगे ओके okay? अब फाइनलाइज करते हैं अब आई होप हो गया एक्स एक्स कॉस एक्स अब सिंपली प्रोडक्ट करना है और आपको लिखना है ये हो गया कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स माइनस x साइन x लॉग x ब्रैकेट क्लोज प्लस b डैस लास्ट वाला b डैस ओके तो अगले स्टेप में कर लेते हैं ये कंप्लीट हो चुका है हमारा x की पावर x cos x और एक बार हम सारे को फिर से लिख लेते हैं तो हमारे पास था cos x प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स था कॉस एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन आप साथ में भी करते चल सकते हो बट बेटर होगा अलग अलग सेपरेट करके लिखते हैं इसका डेरिवेटिव कहीं पे हम सेपरेट कर लेते हैं या कंटिन्यू भी कर सकते हैं तो इसका डेरिवेटिव मैं अलग से निकाल देता हूँ यहाँ पे डेरिवेटिव यू बाई बी का फार्मूला यूज़ करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर ये हो गया डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इज एक्स स्क्वायर माइनस वन डिनिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर का टू एक्स और वन का ज़ीरो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन न्यूमरेटर और यहाँ पे फिर से टू एक्स देख रहे हो काफ़ी अब इसको थोड़ा सा सिम्प्लीफाई कर देते हैं अगले स्टेप में आप सिंप्लीफाई करोगे तो काफ़ी चीज़ें कैंसिल हो जा रही हैं देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर टू एक्स माइनस में है यहाँ पे एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस में है तो कैंसिल हो जाएगा माइनस टू एक्स और यहाँ पे माइनस टू एक्स तो माइनस फोर एक्स हो जाएगा तो दिस इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर ये उसका डिफ्रेंसीेशन हो गया तो फाइनल जब आंसर आप दोगे अगर स्टार्टिंग में मैंने y लिया था तो y डैश इज इक्वल टू ये है x x की पावर cos x ब्रैकेट में cos x प्लस cos x log x माइनस x साइन x log x ब्रैकेट क्लोज़ माइनस फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर एक्चुअली ये फोर मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा सावधानी से आप करते जाइए बस कैलकुलेशन थी तो ये वन से लेके इलेवन तक हमने थ्री क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं बाकी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व से एट्टीन तक के क्वेश्चन हम कल देखते हैं